हे गाइस वेलकम बैक टू द यूनिवर्सल साइंस। और समुद्र का एक ऐसा शिप जिसका कोई भी मालिक जिंदा नहीं बचा, इसे इतिहास का सबसे श्रापित शिप माना जाता है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि इंसानों के साथ हुई सच्ची घटना है। जिस किसी ने भी इस शिप को खरीदा उसकी ऐसी मौत हुई जिसे काफी दर्दनाक और भयानक मौत का सामना करना पड़ा। ये कहानी सुनकर ही आपकी रूह कांप जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के हॉरर शिप की कहानी को। 4 दिसंबर 1872 एक ब्रिटिश शिप जिसका नाम था डेल ग्रेसिया, वो अपने समुद्र के सफर पर निकला। इस शिप के कैप्टन थे डेविड मोरहाउस। जब वो अपने शिप को सफर में आगे ले जा रहे थे तभी उसे समुद्र के बीचों बीच एक शिप दिखाई दिया। डेविड ने सोचा कि शायद ये शिप अपना रास्ता भटक चुकी होगी। उसने उसे रास्ता बताने के लिए अपने शिप को उसके पास ले गया। तब उसने शिप पर लिखे नाम को देखा जिस पर मेरी सेलेस्टी लिखा हुआ था, और ये वही जहाज था जिसे उसके दोस्त बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक सप्ताह पहले न्यूयॉर्क से जेनेवा की ओर ले जाने वाले थे। और इतने समय के हिसाब से ये जहाज अभी जेनेवा में होना चाहिए था, लेकिन ये जहाज अभी समुद्र में क्या कर रहा था? बहुत सारे सवाल डेविड के दिमाग में चल रहा था। फिर भी डेविड ने उस शिप से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगा, पर उसे किसी भी तरह का कोई भी जवाब नहीं मिल पा रहा था। ये देखकर वो काफी घबरा गया और अपने कुछ क्रू मेंबर्स को उस जहाज में भेज दिया ये देखने के लिए कि आखिर उसे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा। जैसे ही क्रू मेंबर्स उस जहाज पर पहुंचे तो वहां का नजारा काफी हैरान कर देने वाला था। वो जहाज पूरी तरह से खाली थी, कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। यहां तक कि शिप को चलाने वाला कैप्टन भी अपनी जगह पर नहीं थे और न ही उस शिप में कोई पैसेंजर मौजूद था। पर आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता था, क्योंकि ना तो उस शिप पर किसी तरह की लूटपाट हुई थी और न ही उस शिप में किसी तरह की चोरी हुई थी। सभी सामान सुरक्षित अपने जगह पर थी। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बीच समुद्र में वो लोग कहाँ गायब हो गए। और यहीं से शुरू हुई इस रहस्यमयी जहाज की कहानी। ये पहली ऐसी घटना नहीं थी जो मेरी सेलेस्टी पर हुई थी। इस शिप का नाम पहले ही घोस्ट शिप रख दिया गया था, और ऐसा बस इसलिए रखा गया था क्योंकि इसे जिस किसी भी इंसान ने खरीदा था या फिर जो भी इंसान इस शिप पर सफर के लिए निकलता था उसका हाल बहुत ही बुरा होता था। मेरी सेलेस्टी का नाम पहले दी अमेज़न था। इसके बाद लोग इसे बेचते गए और लोग इसे खरीदते गए। समय समय पर इस शिप का नाम बदलता चला गया और इसका रंग रूप भी बदलता गया, लेकिन नाम और रंग रूप बदलने से कुछ नहीं बदलता। वो जहाज हमेशा सही श्रापित था और मेरी सेलेस्टी नाम पढ़ने के बाद भी वो जहाज श्रापित ही रहा। पर शुरुआत में ऐसा नहीं था। कनाडा के शिपयार्ड आइलैंड में 1861 में बनी मेरी सेलेस्टी का नाम पहले दी अमेज़न था। शुरुआती दौर में इस जहाज को काफी कुछ झेलना पड़ा, जिसकी वजह से ये अफवाह फैल गई कि इसमें कोई शैतानी साया है, क्योंकि इस जहाज में कई बार मालिकों की अदल बदल देखी जा रही थी। इस जहाज का सबसे पहला मालिक था रॉबर्ट मैकलेलन, जो इतना अधिक बीमार पड़ गया कि उसने खून की उल्टियां करते करते अपनी जान गंवा दिया। इस जहाज के शुरुआती कैप्टन भी इतने ज्यादा बीमार पड़ गए कि जब भी वो खांसते थे तो उसके मुंह से खून निकलने लगता था, और ये सब कुछ तभी होता था जब वो इस शिप में सफर करते थे। इसके बाद इस शिप को बेच दिया गया। अब यहाँ पर डोनी नाम के एक शख्स ने खरीदा, लेकिन उसे भी इस शिप की वजह से काफी नुकसान होने लगा। फाइनली उन्होंने भी इस शिप को रिचर्ड हैंस नाम के एक अमेरिकन को बेच दिया। उसने इस जहाज का पूरा हुलिया बदल दिया और इस शिप का नाम द अमेज़न से मेरी सेलेस्टी रख दिया गया। लेकिन नाम और रंग रूप बदलने के बाद भी इस जहाज से काली शक्तियों का साया नहीं गया, क्योंकि कुछ ही दिन बाद रिचर्ड को इस शिप से इतना अधिक नुकसान हो गया कि उन्होंने भी इस शिप को बेंजामिन ब्रिक्स नाम के एक कैप्टन को बेच दिया। तो कुल मिलाकर बात ये थी कि जो कोई भी इंसान इस शिप को खरीदता वो मारा जाता या फिर उसे ये शिप बेचना पड़ जाता, क्योंकि इस शिप की वजह से उसे इतना नुकसान हो जाता था कि वो पूरी तरह से कंगाल हो जाता। ये वही बेंजामिन थे जो मेरी सेलेस्टी से गायब हो गए थे। दरअसल 7 नवंबर 1872 को कैप्टन बेंजामिन ब्रिक्स और उनकी पत्नी और 2 साल की बेटी और 7 क्रू मेंबर्स के साथ जेनेवा के लिए निकले थे। इस शिप में 1700 बैरल अल्कोहल और बहुत सारा खाना पीना मौजूद था। इसे खा पीकर वो 6 महीनों तक समुद्र में गुजार सकते थे। उनके शिप पर जो सामान मौजूद था उसकी कुल कीमत $35,000 थी, और ये उस समय के हिसाब से बहुत अधिक था। लेकिन 4 दिसंबर 1872 को ये शिप ईस्टर्न अटलांटिक में तैरता हुआ दिखाई दिया। इस शिप में कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। पर आखिर ये कैसे संभव हो सकता था कि कैप्टन सहित एक साथ सभी क्रू मेंबर्स गायब हो जाए, जबकि ना तो कोई इस शिप में किसी तरह की घटना हुई थी और ना ही कोई लूटपाट होने की कोई खबर हुई थी। खैर एक्चुअल में क्या हुआ था ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन संभावनाएं बहुत कुछ हो सकती थी। जैसे
जैसे कि उस समय के नियमों के अनुसार, जैसे कि उस समय समुद्र में अगर कोई लापता या लावारिस शिप मिलता था तो उसे किनारे तक ले जाकर गवर्नमेंट को सौंपने पर उस शिप का जितना वैल्यू होता था उसका आधा हिस्सा उसे दे दिया जाता था। इसलिए हो सकता था कि उसने पैसों के लालच में अपने दोस्त सहित सभी को मारकर उस शिप को लावारिस बताकर गवर्नमेंट को सौंप दिया गया होगा। इसमें उसे ढेर सारा पैसा मिला होगा। लेकिन अगर मोर हाउस इतना ही लालची होता तो वो पूरा का पूरा शिप अपने अंडर रख सकता था और उसमें मौजूद 35,000 का सारा सामान भी रख सकता था। लेकिन हो सकता है कि मोर हाउस ने यह सोचा होगा कि अगर हम पूरा का पूरा शिप अपने अंडर में रख लेंगे तो हो सकता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में फंस सकते हैं। इसलिए मोर हाउस ने चुपचाप शिप को गवर्नमेंट के हाथों सौंप दिया और अपने हिस्से का रकम गवर्नमेंट से ले लिया। हालांकि इसका कोई भी पुख्ता सबूत किसी के पास भी नहीं है कि मोर हाउस ने सभी पैसेंजर्स को मारा होगा। लेकिन यहीं पर इस जहाज का श्राप खत्म नहीं हुआ, ये आगे भी जारी रहा। क्योंकि जब उसने ये शिप गवर्नमेंट को सौंपा तब गवर्नमेंट ने शिप को नीलामी पर लगा दिया। इसके बाद लॉरेन नाम के एक शख्स ने खरीद लिया, लेकिन बेचारा लॉरेन भी 3 महीने के भीतर अजीब बीमारी से मारा गया। अब या तो लोग इस शिप को खरीदने के बाद बीमार पड़ जाते थे या फिर बीमार लोग ही इस शिप को खरीदते थे, ये तो ऊपर वाला ही जाने। लॉरेन के मरने के बाद इस शिप को पूरी तरह से श्रापित माना जाने लगा। इसलिए कोई भी इंसान अब इस शिप को खरीदने की हिम्मत नहीं करता था और ये जहाज इसी तरह 6 सालों तक पड़ा रहा। 6 सालों बाद कैप्टन जॉन पार्कर ने अपना दिमाग लगाया और अपने 2 दोस्तों के साथ इस शिप को मिलकर खरीद लिया। दोनों मिलकर करीब 30,000 का इंश्योरेंस करवा लिया। दरअसल जॉन पार्कर और उनके दोस्तों का ये प्लान था कि जहाज का इंश्योरेंस कराने के 2 महीने बाद इस जहाज को समुद्र के बीच आग लगाकर इंश्योरेंस का पूरा पैसा अपने नाम कर लेंगे। लेकिन शायद कैप्टन जॉन पार्कर ये भूल चुके थे कि ये एक श्रापित जहाज थी जो आज तक किसी को भी अपने श्राप से बचने नहीं दिया, तो भला जॉन और उसके दोस्त कैसे बच सकते थे। प्लान के मुताबिक दोनों ने शिप को समुद्र के बीच ले जाकर आग लगा दिया। जहाज पूरी तरह से जलकर समुद्र में खाक हो गया और उसका आखिरी मालिक बना कैप्टन जॉन पार्कर, जिस पर उस जहाज का श्राप लगा। इंश्योरेंस कंपनी ने पूरे मामले का जांच किया और जॉन पार्कर को $1 भी नहीं दिया। इवन उस पर इल्जाम लग गया फ्रॉड करने का। बेचारा जॉन पार्कर के पास जो भी पैसा बचा था वो भी केस लड़ने में खत्म हो गया। कंगाली की हालत में आखिरकार वो बीमार पड़ गया और बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई। उसके बाकी बचे 2 साथी जो उसके प्लान में पार्टनर थे, इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलने की वजह से एक तो पागल हो गया और दूसरे ने कंगाल होकर सुसाइड कर लिया। यानी कि मेरी सेलेस्टियर नाम का यह जहाज अपने आखिरी वक्त में भी 3 लोगों की जान ले लिया। आज तक इतिहास में ऐसा कोई भी मालिक नहीं बचा जिसने मेरी सेलेस्टी को खरीदा हो और वो जिंदा बचा हो, केवल कैप्टन मोर हाउस को छोड़कर, क्योंकि उन्होंने शिप को खरीदा नहीं था, केवल जहाज को किनारे तक लेकर गए थे और उससे पैसे कमाए थे, ना कि उसने कोई पैसा खर्च किया था। क्या है आपकी राय इस श्रापित जहाज के बारे में, बताइएगा मुझे नीचे कमेंट्स में। जय हिंद, वंदे मातरम।